आप लोग चाय पीते रहे और दोस्ती बनाते रहे। हाँ आप ही आ जा। मैं भी हम सब लोग रेडी हो गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं पूरी लेने के लिए। देखो इस आदमी के पास मैं मतलब इसका बिहेवियर ना थोड़ा लड़का जैसा है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही चिढ़ाते हैं। रूम का गार्डियन मैं। हाँ तो इसके पास रूम का की रहता है। चलो आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग कैसे मिले थे। ठीक है हाँ ठीक है। तू कहाँ थी अब तक? तो हाँ पूछिए मुझे सबको बताएंगे। आज जब वी मेट बताएंगे। हाँ जब वी मेट बताएंगे आप लोगों को। और तो किसका कैसा कैसा रिएक्शन था, मतलब हर एक की मतलब पॉइंट ऑफ व्यू सब लोग बोलेंगे। मैं पहली बार जब आई थी तब इन सब लोगों का एक्सपीरियंस भी बताऊंगी। हाँ मैं मतलब मैं जब इन लोगों को देखा था मुझे क्या लगा था, मतलब किसको पहचानती थी किसको नहीं पहचानती थी और किसको देख के कैसा लगा था मुझे देख के, तो मतलब बात हुई थी किसके साथ ये सब। ठीक है तो आप लोग फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। फॉलो मतलब बने रहिए वीडियो में, बने रहिए। और हाँ आप सब लोग मेरे वीडियोस तो देखते हो, लेकिन जितने लोग देखते हो आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो। बहुत सारे वीडियो क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मुफ्त है ना। हाँ तो आप लोग वीडियो देख के एंजॉय तो करते, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। देखो आज का ब्रेकफास्ट सब लोग एक साथ कर रहे हैं। आज का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में बोला था ये यहाँ का 5 स्टार वाला रेटिंग वाला खाना, क्योंकि यहाँ के लिए बस बाकी सब 0 रेटिंग है। पर मैं इडली डोसा छोड़ के सब कुछ ये सबसे लास्ट में आई थी हमारे रूम में। स्मिता सबसे लास्ट। ओह अच्छा। मैं दोला, उपमा, सानिधि और देवरुति और तौना, 6 लोग साथ में आए थे। उसके बाद मैं आई थी। मैं और ये तो हम दोनों क्लासमेट ही थे, पहले से पहचानते थे। देवा को भी नहीं पहचानती थी। इससे तो हम यहाँ पर आके ही मिले थे और मेरा रिएक्शन कैसा था वो भी बोल दे। पहला दिन ही देवा का रिएक्शन हाय सबाई के चाय पूरे खाबी चाय खाबी। फिर जिस दिन आई उसका मन खराब था, फिर जो जो उसको जिसको पहचानता थोड़ा बहुत बात होता था। फिर दूसरे दिन हम लोग जब मतलब दूसरे दिन शाम हुआ, फिर एक लड़की अपने ऊपर वाली बेड से धीरे धीरे बोली उधर के आके, और मेरे पास ही केटल था, आके आके बोली कि तुम लोग चाय पियोगी। फिर वो जो हम लोग को चाय पीना शुरू हुआ के साथ, फिर वहाँ से हमारा फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। वो जो चाय पीने से फ्रेंडशिप स्टार्ट हुआ। हाँ हाँ पर वो लड़की आप लोगों का यूट्यूबर दीदी है। तो आप लोग चाय पीते रहे और दोस्ती बनाते रहे। लेकिन पहले देवा को देखने लगा था थोड़ा शांति, मतलब पूरा शांत है, थोड़ा ठंडा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बाद में जाके असलियत पता चला सबका। मैं जब आई थी तब बोल अपना। हाँ तो फिर ये आई बोलते वो डायना उसको तो आके ये भी हम लोग खाने के लिए जा रहे थे, फिर उसके साथ गेट में मुलाकात हुई। फिर उसने बोला हाय, उसने भी हाय बोला। फिर वो तो देवा की मतलब कजन है, सिस्टर है, इसलिए देवा ने हम लोग के साथ मतलब इंट्रोडक्शन कम्प्लीट किया कि ये मेरा बहन है ऐसा ऐसा। फिर हम लोग दोस्ती बन गई, मतलब मेरा और परी का तो टॉम एंड जेरी रिश्ता है इन लोगों का। इसके साथ ये जब आई थी किसी ने झूठ मूठ का मतलब बोला था कि ये कोई
बहन है, सीनियर का बहन है और वो भी हम लोगों से इससे बहुत सीनियर है ऐसा कुछ बोला था। और ये जिस दिन आई मतलब हम लोग जब आए थे थोड़ा मतलब पूरा हाँ मतलब मन फ्री थे, हाँ मन खराब था, पूरा शांत था। ये आई मतलब हमारा क्लास एक हफ्ता या एक महीने होने के बाद ये आई थी और ये जिस दिन आई थी उस दिन से ही किसी के पास से कुछ कॉपी नोट्स लेकर आ गई और चेयर में रख के वो लिखना स्टार्ट कर दी थी। हाँ मतलब क्या क्या पढ़ाई हुआ क्या क्या नहीं हुआ इतना भी नहीं किया था मैंने। मैं जब आई थी तब ये लड़की मतलब सब देवा के बेड में आके बैठ गए थे कि कौन आया है कौन आया है, और मैं थोड़ा स्पेशल फिर ये लड़की उस रूम से मतलब दूसरे वाले रूम में रहती है ना, मतलब हमारे रूम में ही सेपरेट, तो वहाँ से ऐसे ऐसे भाग भाग गए थे कौन है सब लोग मतलब ऐसे बोल रहे थे कि नाखून कटना पड़ेगा, नेल पॉलिश नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब लिपस्टिक। मतलब हम लोग एक महीने पहले आ गए थे तो खुद को क्या खुद को क्या समझ रहे थे क्या मतलब। मेरे एक फ्रेंड है मतलब रूम में थी मूसू, वो मेरा बेड ठीक कर रही थी, फिर ये हाँ दो सीनियर दीदी आके बोल रहे थे ये तो आ गई, ये थोड़ा मतलब संभल के मतलब आई है इसलिए। तो फिर इसने बोला यहाँ पे सब लोग सेपरेट ही रहते हैं, सब लोग को खुद का काम खुद से ही करने को लगे थे। ये हमारे रूम को छोड़ के दूसरे रूम में डाल के बात कर रही थी, फिर मैंने इसको और सीनियर नहीं था उसको बोला था कि तू मत जा इस रूम से, नारियल की तरह हार्ड है, हार्ड है। मैं जब पहले आई थी तब मेरा वर्षा और कितने बार बोलेगी वर्षा और ज़्यादा मतलब मेरा वर्षा के साथ ही इज्जत था, हाँ फ्रेंडशिप। और उसके बाद मेरा ये जो लड़की है वो से मेरा फ्रेंडशिप हुआ था, क्योंकि मैं जब फर्स्ट में आई थी मैं ये सब लोग एक जगह पर बैठे थे और मैं अकेली, फिर ये आई मेरे पास बैठे और जब ये पता चला कि हॉस्टल में जगह नहीं था मतलब ज़्यादा बैठने के, तब मैंने इससे बोला कि हम लोग एक ही रूम में रहेंगे और एक ही बेड ऊपर नीचे रहेंगे, एक ही बेड में रहेंगे और एक ही रूम में रहेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे से हम लोगों का फ्रेंडशिप, हम लोगों मतलब किसके साथ वो बोल मतलब के साथ देवरती ओके लगा था। मेरा बेड और उसका बेड मतलब पास पास ही है, तो हाँ, मैं बेड टू बेड जाती थी, मैं जाती थी। उसके बाद हम लोग का फ्रेंडशिप और भी गहरा हो गया नहीं नहीं मत बता, इसका नाम मैंने रखा कि चड्डी और मैंने इसका नाम रखा है बड्डी, और इसका नाम है लीना तो मैं इसको नाली कहकर बुलाती हूँ, उसका नाम है वर्षा मैं उसको शाबोर कह के बुलाती हूँ, उसका नाम है पॉली मैं उसको लिपो कह के बुलाती हूँ, बाकी सबको मैं उल्टा उल्टा नाम से बुलाती हूँ। हाँ इसको और इसको ला दो सन्नी। हाँ तू बता। हाँ तो मैं यहाँ जब आई थी मुझे थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी तो मेरा यहाँ पहचान वाले कोई नहीं थे, ठीक है। तो वो जो वर्षा डोला वो सब थे वो सब एक ही जगह से आए थे, लेकिन मैं सिर्फ एक अकेली थी, मैं पापा के साथ आई थी, तो मेरा थोड़ा मतलब अजीब सा लग रहा था कि मैं किसी को नहीं जानती हूँ पहचानती नहीं हूँ सब कैसे होंगे। तो लास्ट हम लोग एक ही रूम में रह रहे थे, और फिर जब से मुझे धीरे धीरे सब लोगों के बारे में पता चला तो मैं मतलब मैं यहाँ पहले आने के बाद मेरा थोड़ा मन खराब था, घर का बहुत याद आ रही थी, और फिर मम्मी पापा ने बहुत मुझे समझाया कि कुछ नहीं है बस 3 साल की बात है तू कर लेगी। तो बस कि उसने कहा कि मैं फर्स्ट डे उन लोगों से जाके मैंने पूछा था कि तू लोग चाय पिएगी, तो ऐसे करके मैंने उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप किया था। मुझे तो मतलब मैं सच बोलूँ तो मुझे एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं इसको मतलब पहले से जानती थी, क्योंकि हमारा एक घरेलू रिलेशनशिप है इसलिए मैं इसको पहले से जानती थी कि ये सबके साथ मेरा मतलब इंट्रोड्यूस करवा दिया था मैंने जब ये आई थी, तो तब मुझे ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा था। कुछ घंटे रहने से ही मैं सबके साथ बहुत मतलब बहुत कम टाइम में मतलब मिलजुल
जाती हूँ उसके अंदर। ये ताकत है कि वो हर किसी को मतलब अपना हर किसी के साथ वो फ्रेंडशिप कर सकती है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। मतलब रूम में सबसे क्लोज तो वही है, मतलब आप लोगों का जो फेवरेट यूट्यूबर है वो। मतलब उसके साथ ही मेरा मतलब सबके साथ अच्छा है, लेकिन उसके साथ और ज्यादा मतलब बहुत ही अच्छा रिलेशन है। मेरे रूम में दो सीनियर दीदी भी थे, तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया था हम लोगों को, और बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे हम लोग। और बाकी का भी चल रहा है। और ये जो लड़की है, ये जब फर्स्ट आई थी तो तब इस रूम में चली गई थी, ठीक है, ये जो अंदर का रूम है वो। और अभी दिन रात मेरे कान के नीचे मतलब एक ही बात बोलती रहती है कि काश मैं इसी रूम में रह जाती तो अच्छा होता। वो रहती तो उस रूम में, पर सब काम काज हाँ उसका मन ये इसी रूम में पड़ा रहता है। कहीं भी जाना, खाना खाने जाना हो, पानी पीने जाना हो, सब मतलब कॉलेज जाना हो, सभी हम लोगों के साथ ही जाते हैं। और ये हमेशा मुझे कहते रहते हैं कि प्लीज तेरे बेड में थोड़ा जगह मिलेगा, थोड़ा पार्टनरशिप मिलेगा मुझे थोड़ा। मैं बोलती हूँ मेरा खुद का ही रहने का जगह नहीं है मेरे बेड में, मैं कम और उसके दो बैग भी है। हाँ मैं आप लोगों को पता है जब हम लोग का मतलब पहली बार सेकंड फर्स्ट ईयर का एग्जाम था, तो एनाटॉमी एग्जाम के पहले दिन मतलब वो और मैं मतलब हम लोग बहुत रात तक पढ़ रहे थे, बाकी सब तो सो गया था। मतलब मैं मतलब छोटे से मतलब थोड़ा भूत में डर है मतलब हाँ, और उस हाँ, और उस रात थोड़ा भूत लेके बात भी हो रही है। इसने क्या किया इस ये हॉस्टल का पीछे वाले जो जिम वाला बिल्डिंग है ना, मतलब वैसा कुछ नहीं था, लेकिन हम लोग सोच रहे थे और बहुत डर गए थे, तो इसलिए ये क्या किया ये अपने रूम से आके मेरे रूम में आ गई और मैं उसके बेड में बैठ के बहुत देर तक दोनों मिलके पढ़ाई किया। फिर मैंने बोला कि तू मेरे बेड में सो जा या मैं तेरे बेड में सो जाऊं, तो उसने बोला कि नहीं मैं भी तेरे बेड में नहीं, तू भी मेरे बेड में नहीं। फिर नीचे हम लोग गद्दा बिछा के सो गए। ये उस ज्यादा रहती है, साढ़े तीन चार बजे सोए थे, फिर 5 बजे उठ गए। मतलब एक प्रेशर था बहुत ज्यादा, ये फर्स्ट एग्जाम था मतलब उस दिन तो मतलब इतना टेंशन। और ये जो लड़की है ये मुझे हर काम में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मुझे मतलब चादर बिछाना नहीं आता, आता है ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको बोलती हूँ कि प्लीज थोड़ा बिछा दे मेरा चादर, तो ये सब कुछ मेरा ठीक कर देते हाँ ये सब कुछ मेरा ठीक कर देती है। और हाँ अब ये मेरा जो दीदी है ये भी मैं जब आई थी तो मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प किया था, सब कुछ मतलब सब काम में मेरा हेल्प करती है। मैं अगर कुछ गलत करने जाऊँ तो भी मुझे रोकती है, और पढ़ाई में भी सब कुछ में। हाँ मैं उसको बहुत समझाती हूँ क्योंकि मैं इससे 6 मंथ के बड़ी हूँ मैं इससे, तो मैं इसलिए थोड़ा दीदी गिरी पढ़ाती हूँ, तो इसलिए मतलब ये कुछ भी गलत करती है तो मैं उसको रोकती हूँ और समझाती हूँ बहुत। और ये अंदर से तो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन ऊपर से बहुत ज़्यादा बीच में गुस्सा कर देती है, और बहुत मतलब मुझे लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए किसी और के साथ बातें करने लगती हूँ तो मतलब सानी किधर गई ऐसे करके बुलाती है। मतलब नीचे अगर मैं वर्षा और सानी मतलब देवा हाँ हम लोग अगर बात करते तो वो ऊपर से बोलती तुम लोग ही मुझे छोड़ के बात कर रहे हो, मुझे क्यों छोड़ दिया तुम लोगों ने। कल का बात बता देने की बात हाँ कल की बात बताने कल मतलब वो शायद बाथरूम गई हुई थी पॉली, तो फिर मतलब बाथरूम में गई हुई थी, तो देवा मेरे पास कुछ मतलब उसका कोई काम था तो वो मेरे बेड में आई, तो मेरे बेड में तो मतलब पर्दा लगा हुआ है ना, तो मैं आई तब मैं कुछ बातें करने लग गए हम लोग शुरू हो गए, तो थोड़ा बातें वो पर्दा वर्दा लगा गई ठीक है। तो ये बाथरूम से निकली तो हम हमारे बेड से उसको देख रहे थे कि वो बाथरूम से निकल के आई, वो अपने बेड में नहीं गई, पहले देवा का बेड ऐसा हटा के देखा देवा नहीं है, फिर हम लोगों को पता ही था, फिर वो डायरेक्ट मेरे बेड में गई, फिर जाके ऐसा पर्दा का ऐसा उड़ दिया, फिर बोल क्या बात कर रहे हो तुम लोग, मुझे भी बताओ मुझे भी बताओ मुझे भी बताओ। वो ऐसे ऐसे उछल कूद के नहीं होते ऐसे करके आते क्या बात कर रहे हो तुम लोग मुझे नहीं ले रहे तुम। और उसको देखो कॉलेज जा रही है या फैशन शो में जा रही है पता नहीं, पता नहीं चलेगा। हाँ ओ अच्छा वाओ। अरे ये सांस पाउडर ठीक है। लड़की को और एक बात बता, ये लड़की रोती बहुत ज्यादा रोती है। हाँ मतलब कुछ भी हुआ उसने मेरे साथ पहले झगड़ा किया, मुझे कुछ बातें सुनाई ठीक है, अब मैं गुस्सा हो गई तो मेरे बेड में जाएगी तो मैं बात तो नहीं करती, मैं ऐसे घूम के बैठी हूँ तो सुनना मतलब वही बोलती है और वही मनाती भी है वही फिर सुनना
करते करते पूरा आँख सीधा सीधा पूरा पानी पानी हो गया। फिर मैं उसे उसको मतलब चुप करने लगता हूँ, चुप हो जा, फिर तो हो जाता है खत्म। यही हमारा टॉम एंड जेरी रिलेशनशिप है और हम दोनों के बीच में सारा दिन झगड़ा झगड़ा झगड़ा। लेकिन वही सब जियान और नोबिता, कोई सीरियस झगड़ा नहीं होता है, सब छोटा 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 बात, मतलब दो मिनट का हो फिर ठीक हो गया। ये आप लोग मत सोचिए ये बहुत बड़ा झगड़ा है, मतलब छोटा छोटा। कुछ बोल, मैं ही अकेला बोलूँ लगेगा कि मैं ही झगड़ा कर रही हूँ। ये झगड़ा नहीं है, मतलब ये प्यार है, प्यार है, भालो भाषा। हम लोग अभी कॉलेज जा रहे हैं, लेट हो गया आज हम लोग, पता है 9:20 हो रहा है। इन दोनों को देखो, एक छोटू सा जगह में ये दोनों एक साथ ही इन लोगों को पानी भरना है। वाह, चलो जी चलो कॉलेज चलते हैं। व्हाट अ सनी डे, सनी। चलो आज इसी ब्लॉग का आज हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अभी तो हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, नहीं तो फिर से हम लोगों को कॉलेज के बाथरूम में जाके वीडियो को एंड करना होगा, एंड करना पड़ेगा। तो इसलिए आज हम इस ब्लॉग का यहीं पर खत्म कर रहे हैं। मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। सो स्टे ट्यून्ड, यस, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और जब हम लोग हॉस्टल में रहते तब इसका चैनल हम सब लोगों का चैनल हो जाए। चलो बाय, सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय।